सब्सक्राइब करें हमारा चैनल न्यूज ब्रॉडकास्टिंग टीम, बेल बटन दबाएं और नोटिफिकेशन पाएं। पेपर लीक मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने सीबीएसई, दिल्ली पुलिस और केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर 10 दिन में जवाब मांगा है। दिल्ली हाई कोर्ट ने सीबीएसई से नाराज होते हुए पूछा कि 10वीं और 12वीं की दोबारा परीक्षा को लेकर 2 महीने का वक्त क्यों लग रहा है। दिल्ली हाई कोर्ट ने पेपर लीक मामले में एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि जल्द री एग्ज़ाम कराने का फैसला क्यों नहीं लिया जा रहा। कोर्ट ने कहा कि बच्चों को ये जानने का अधिकार है कि 10वीं के एग्ज़ाम के बाद वो आगे क्या करेंगे। कोर्ट ने सवाल किया कि आप कोर्ट को सुनिश्चित कर सकते हैं कि आपको जैसा सिस्टम बनाएंगे कि दोबारा पेपर लीक ना हो। मामले की अगली सुनवाई 16 अप्रैल को होगी। सीबीएसई के 10वीं के गणित विषय के प्रश्न पत्र लीक होने पर बोर्ड का उसकी दोबारा परीक्षा कराने के फैसले को एक छात्र ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। छात्र ने प्रश्न पत्र के मात्र दिल्ली में ही लीक होने की खबरों के बाद याचिका दायर की थी। याचिका में सीबीएसई को 28 मार्च को हुई 10वीं की गणित की परीक्षा का मूल्यांकन कर 10वीं का परिणाम घोषित करने का निर्देश देने का आग्रह किया है। संतुष्टि के साथ अखिल न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग टीम, दिल्ली।